बारिश का कहर, ये कहाँ कहाँ से पत्थर आए हुए हैं कोई पता, बट रोडों में मतलब एक से डेढ़ डेढ़ फीट के गहरे गड्ढे हुए पड़े हैं। इस रोड के ऊपर गाड़ी का चलाने का मतलब है कि गाड़ी की लाइफ एक साल कम कर देना। इतना गंदा है ये कि ट्रैक्टर भी इसमें आराम से ना निकलेगा। चलो एक एग्जांपल देता हूँ ऑस्ट्रेलिया का। मैं पिछले 9 साल से ऑस्ट्रेलिया में था, तो भाई जब न्यूज़ पढ़ते भी हो, देखते भी हो, सुनते भी हो, फिर सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करते हो? हेलो गाइस, दिस इज बाल भुरिया एंड वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज जा रहा हूँ मैं अमृतसर गोल्डन टेंपल। तो गाइस, आज का ब्लॉग जो है वो फुल ऑन बोल बच्चन ब्लॉग बन गया है। यार, रोड ही इतनी गंदी थी और फिर जब मैं स्टार्ट हुआ तो वही बोलता ही चला गया। तो गाइस, होपफुली ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। तो चलो, आप वीडियो एंजॉय करो, और अगर वीडियो पसंद आता है तो गिव मी अ थम्स अप गाइस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज सडन प्लान बन चुका है पंजाब जाने का। तो वन ऑफ माय फ्रेंड ही कॉल्ड मी यस्टरडे नाइट एंड ही टोल्ड मी टू लेट्स राइड टू गोल्डन टेम्पल टुगेदर। सो आई सेड लेट्स डू इट देन। सो आई जस्ट डिलेड माय अदर प्लान्स एंड गोइंग टू पंजाब नाउ। मैं अभी निकला हूँ अमृतसर के लिए, और गाइस ये देखो बारिश का कहर, ये कहाँ कहाँ से पत्थर आए हुए हैं कोई पता नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ओ फक शेड, इन्होंने रोड ही बंद कर दिया हुआ है। फक भाइयों, वापस जाना पड़ेगा क्योंकि पैनियर्स लगा के रखे हुए तो बाइक निकलेगी नहीं मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक सो, लेट अस सी। ओ निकल गया भाई। तो गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ अमृतसर के लिए। तो होशियारपुर में मैं अपने फ्रेंड को ज्वाइन करूँगा, तो वहाँ से फिर हम दोनों इकट्ठे निकलेंगे। तो लेट अस सी गाइस, होपफुली राइड गोना बी गुड वन। बट रोडों के रोडों की हालत इतनी गंदी है, इन पोर्ट होल्स ने मेरे बम्स दिखाना शुरू कर दिए गाइस। तो ये छोटे मोटे खड्डे होते हैं वो चल जाते हैं, बट रोडों में मतलब एक से डेढ़ डेढ़ फीट के गहरे गड्ढे हुए पड़े हैं। उसमें अब हिमाचल को भी कैसे निकालोगे यार। कांगड़ा फोर्ट के ऊपर मेरी एक वीडियो बनी हुई है, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वो देख सकते हो। अच्छी वीडियो बनी है वो भी। रोडों के हाल ऐसे होने की वजह से ट्रैफिक भी अब देख लो, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं ना। पहले मैं कार लेके आने वाला था, अच्छा किया जो गाड़ी लेके नहीं आया मैं, नहीं तो निकलना मुश्किल हो जाता यार। इस रोड के ऊपर गाड़ी का चलाने का मतलब है कि गाड़ी की लाइफ एक साल कम कर देना। मतलब गवर्नमेंट को यार कुछ तो सोचना चाहिए कि दिन की हजारों गाड़ियां जिस हाईवे पे निकल रही हैं, ये चंडीगढ़ कांगड़ा हाईवे है गाइस, और हाल देखो इसके, इतना गंदा है ये कि ट्रैक्टर भी इसमें आराम से ना निकलेगा। इस छोटी गाड़ियां तो बहुत दूर की बात है। मुझे ये दिखाने का कोई शौक नहीं है, बट थोड़ा सा गंदा लगता है बींग ए हिमाचली कि देवभूमि को अपने बना के क्या रखा हुआ है ये, कि जितने वर्ष तरीके से ये रोड बने होते हैं ना, मुझे नहीं पता कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं और इनको कॉन्ट्रैक्ट दे कौन देता, कैसे देते हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया गाइस।
मुझे ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी भी कंपनी को, तो एक बतौर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि इस पीरियड के दौरान अगर रोड में कोई भी दिक्कत आती है, पोर्ट होल आता है, कुछ भी होता है, व्हाटएवर, वो कंपनी रिपेयर करेगी। और वहाँ पे जो रोड बनते हैं, मैंने नहीं देखा कभी भी कि एक पोर्ट होल भी आता हुआ, और उससे पहले पहले ही रोड द्वारा फिर से उस पर टायर मेकिंग हो जाती है गाइस। और यहाँ के हाल देख लो, बैड फीलिंग्स आते हैं जब ये सब देखते हैं। और कोई ये बहाना लगाए मुझे अगर कि हाँ जी हिमाचल में बारिश बहुत होती है इस वजह से रोड जो वो टूट फूट जाते हैं, मैं इस चीज़ को मान ही नहीं सकता, मैं इस चीज़ से कभी एग्री कर ही नहीं सकता। बारिशें हिमाचल में अभी से होना नहीं स्टार्ट हुई हैं, वो जब से हिमाचल बना हुआ, जब से पहाड़ बने हैं, ये बारिशें ऐसे ही होती हैं। रोड पहले भी बनते थे, PWD जो भी डिपार्टमेंट है पहले वो रोड कंस्ट्रक्ट करते थे सारे सारे, और वो रोड कभी हिलते नहीं थे। इट मीन्स कि अगर अभी कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो अगर रोड्स बना रहे हैं तो वो अच्छा मटेरियल नहीं यूज़ कर रहे हैं, कि अच्छे रोड नहीं बन रहे हैं, अच्छे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं, या जो लोग कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं अपना। उसका वो एग्ज़ाम्पल आगे दूंगा मैं। अभी 2-3 महीने पहले एक रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है चामुंडा माता मंदिर से लेके और बनखंडी तक, और उस रोड के आपको मैं हाल दिखाऊंगा गाइस कि अगर एक हाईवे जो बना है अगर वो 3 महीने भी सस्टेन ना कर पाए, आप क्या कहोगे उसको? पवन मैन जो है वो तो नहीं करवा सकता ना, वो तो सिर्फ सफ़र होता है आप लोगों की वजह से। जो भी गवर्नमेंट बनती है सिर्फ कॉमन मैन के लिए है और उसकी वजह से बनती है, बट एंड ऑफ टाइम क्या होता है कि सफ़र वही होता है। बट इट्स ओके, कभी तो टाइम चेंज होएगा, बट होपफुली जल्दी हो। आपके रोड्स ही आपके अच्छे नहीं हैं, आई मीन लोग कैसे आएंगे यार यहाँ पे, टूरिज्म को बढ़ावा कैसे मिलेगा? हाउ? गाड़ियाँ तो फ्लाई नहीं करेंगी ना, गाड़ियों को तो रोड पे चलना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे रोडों पे चल के गाड़ी 15 साल निकालती होगी, पर ऐसे रोडों पे गाड़ी चले रोज तो गाड़ी हार्डली 2 साल ना निकालेगा इस, क्योंकि आपने 5 लाख खर्चा किसी गाड़ी के लिए, जिस 5 लाख ने 15 साल चलना था वो 5 लाख 10 साल में ख़त्म हो गया है। तो इट मीन्स कि आपके इकोनॉमी जो है कंट्री की, डायरेक्ट इफेक्ट उस पर पड़ रहा है ना ये तो। और सेकंड चीज़ और बोल देता हूँ कि गवर्नमेंट वैसे बोलती है कि टोल प्लाजा ख़त्म करेंगे क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, फ्यूल कंज्यूम होता है, पोल्यूशन होता है, बिल्कुल सही बात है। बट भाई साहब ऐसे गंदे रोड दोगे आप तब भी तो फ्यूल की कंजप्शन बढ़ेगी ना, और फ्यूल की कंजप्शन बढ़ेगी तो उसका भी डायरेक्ट इकोनॉमी में फ़र्क पड़ रहा है। सिंगल रोड के ख़राब होने से भाई साहब आपकी इकोनॉमी जो है वो डिरेल हो जाती है। बट मुझे नहीं लगता कि शायद गवर्नमेंट्स को फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। हु केयर्स, आम जनता का पैसा ख़त्म होता है, ख़राब होता है, लुटता है, पुटता है, होने दो। हमारे पॉलिटिशियंस को कोई फ़र्क पड़ता है इससे क्या? नहीं पड़ता कभी भी। मुझे नहीं पता कि क्या सिस्टम बन चुका है इंडिया का, बट मैं आपको एक, चलो एक एग्जांपल देता हूँ ऑस्ट्रेलिया का। मैं पिछले 9 साल से ऑस्ट्रेलिया में था। जैसे यहाँ पे हमारे MLAs होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में उनको बोलते हैं प्रीमियर्स, तो गाइस उनको गाड़ियाँ नहीं मिलती, उनके आने जाने के लिए उनको गाड़ियाँ नहीं मिलती वहाँ पे, जो इंडिया में मिलती हैं। इंडिया में इसलिए मिलती है ना, जनता का पैसा है, खाओ लूटो, फ़र्क पड़ेगा किसी को क्या? वो वैसी जनता है, कभी जवाब सवाल जवाब करेगी अपने नेता से, अपनी गवर्नमेंट से? वो करेगी भी तो सुनेगा कौन? तो वहाँ पर क्या, एक बंदा था प्रीमियर, उसने क्या किया कि सिर्फ $80 गाइस, $80 मतलब 4000 इंडियन रुपीज़, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर 50 रुपीज़ का एक डॉलर, तो
$88 के उसने चेक जो थे वो किसी टैक्सी वाले को पे किए थे सिर्फ अपने पर्सनल काम के लिए। उसने कह दिया कि हाँ ऑफिशियल वर्क था। उन्होंने नेक्स्ट कॉल करी सीधी टैक्सी वाले को जिसने वो चेक कैश करवाया था, तो उसने कह दिया कि भैया मैं तो कोल्स गया था, कोल्स एक सुपर मार्केट है वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की, तो ये तो सामान वहाँ से लेके आया बंदा, दैट्स ऑल। बस इतना बोलना था, कोई इंक्वायरी नहीं बैठी, कोई कुछ नहीं, सीधा सीधा उसको फायर कर दिया, समझ रहे हो, सीधा सीधा उसकी प्रीमियरशिप गई। और आगे से कभी भी वो फ्यूचर में इलेक्शन नहीं लड़ सकता वो बंदा। अब वहाँ का लॉ देख लो आप। और उसके अलावा उसको जेल हुई वो अलग, सिर्फ 4,000 रुपये के पीछे। गाइस मेरा इस स्टोरी को शेयर करने का कोई और कोई ये नहीं है, बस एक था कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम है क्या और इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं। राजा की तरह राजा बने हुए, पहले कभी राजा हुआ करते थे जनता शोषण करने के लिए, फिर अंग्रेज आ गए, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कुछ बदला नहीं है इंडिया का, मेरे हिसाब से 1% भी इंडिया बदला नहीं है, बस लोगों को दिखता नहीं है। हमारी वैल्यू है क्या इस कंट्री में? तो फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम इंडिया ऐसा बनाएंगे, हम इंडिया वैसा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भाई? लोगों का मिसयूज करके, कॉमन मैन का मिसयूज करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखो गाइस, मतलब इतने आवारा जानवर रोडों पे हैं, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से कि हम इनको जंगलों में छोड़े हैं या इनको कुछ है। गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है, गवर्नमेंट बन चुकी है, किसी तरह के 5 साल निकल जाएंगे, अगली आ जाएगी, उसके 5 साल निकल जाएंगे और अगली आ जाएगी, बट इसका जो है वो फ़र्क किसको है? एक कॉमन मैन को है ना, जो रोड पे चल रहा है, जब किसी पार्टी से बिलोंग करता हो। नुकसान तो हो ही रहा है ना भाई। जैसे जैसे मैं पंजाब की तरफ बढ़ रहा हूँ, गर्मी बढ़ती जा रही है गाइस, आई कैन फील दैट, बट इट्स ओके। अच्छी बात क्या है कि बारिश नहीं हो रही है, सो गुड। गाइस जैसे मैं वीडियो के एंड में हर बार कहता हूँ कि ऑलवेज बियर ए गुड क्वालिटी हेलमेट, कुछ और पास हो ना हो हेलमेट तो हमेशा पहन के रखो यार। चाहे आप 1 किलोमीटर की राइड पे हो, आप चाहे 100 किलोमीटर्स की राइड पे हो, फ़र्क नहीं पड़ता ये चीज़। हेलमेट आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है ना यार। आए दिन न्यूज़ में ये सुनने में मिलता है कि फलानी जगह पे ये हो गया, हेलमेट नहीं पहना था ये हो गया, तो भाई जब न्यूज़ पढ़ते भी हो, देखते भी हो, सुनते भी हो, फिर सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करते हो? सो गाइस हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि हेलमेट हमेशा पहनो। और अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया रूल पास कर दिया है कि अगर किसी के पास हेलमेट है भी और वो ISI सर्टिफाइड नहीं है, तब भी आपका चालान कटेगा ही कटेगा, आपको टिकट मिलेगी ही मिलेगी। सो गाइस बेटर है जब आप 50-60 हज़ार की बाइक नॉर्मली ले लेते हो, इससे सस्ती तो बाइक कोई आती नहीं है, तो यार 1,000-2,000 का एक अच्छा हेलमेट लेने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल। तो बाइक में अगर दो लोग बैठे हैं ना, दोनों को ही हेलमेट पहनना चाहिए,
क्योंकि ये किस कौन सी बुक में लिखा हुआ है, ये कौन से लॉ में लिखा हुआ है, किस भगवान ने ये कहा हुआ है कि अगर मान अगर अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ वो जो राइड करने वाला जो ड्राइवर है उसी को चोट आएगी सिर में, दूसरे को तो आएगी नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ ना भाई, और साइंटिफिकली भी कहीं अप्रूव्ड नहीं। गाइज ये देखो 2 महीने पहले रोड बनी हुई है ये, और इस रोड के हाल देख लो आप, और ये हाईवे है, ये कोई लोकल गांव का रोड नहीं है, ये हाईवे है, और 2 महीने में ये रोड टूटना शुरू हो गई है। अब कोई यार ये एक्सक्यूज़ दे मुझे कि ये सिर्फ बारिश की वजह से हुआ है, और हमने रोड बड़े अच्छे से बनाई थी, इतने ईजिली डाइजेस्ट होएगी नहीं बात ये। ये देखो मैं जितने भी मोड़ हैं एक भी मोड़ ऐसा नहीं है जिसपे कि गड्ढे नहीं पड़ गए हैं 2 महीने के अंदर, तो ये लोग अपने अगेंस्ट। ये देखो गाइस हाल देख लो 2 महीने पहले बने रोड का, चलो सही है भाई। दैट्स ऑल इन दिस ब्लॉग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग व्हिच विल बी गोल्डन टेंपल अमृतसर। सो गाइस टेक केयर, हैव फन, एंजॉय योर लाइफ एंड ऑलवेज वेयर ए गुड क्वालिटी हेलमेट व्हाइल यू गाइस राइड एंड प्लीज कीप दिस ब्यूटीफुल कंट्री क्लीन गाइस। And if you guys did not subscribe my channel till now, please hit that red subscribe button and watch, like and share my videos. Thank you. Bye.